द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का जब से ट्रेलर रिलीज हुआ है तब से इस फिल्म विवादों से जुड़ी हुई है। जहां एक तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता इस फिल्म का पुरजोर विरोध कर रहे हैं और इसको पूरी तरह से एक पॉलिटिकल मूवी कह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अनुपम खेर का कहना है कि ये मेरे जीवन का बेस्ट काम है और मैं इससे पीछे नहीं हट सकता। अनुपम खेर का कहना है कि जब इस तरह की मूवीज़ बनती हैं तो जाहिर सी बात है विवाद तो होता ही है, लेकिन जब हम इस तरह की मूवीज़ बना रहे हो तो हम फैक्ट्स जो रियलिटी है उससे पीछे नहीं हट सकते और इस फिल्म में सिर्फ और सिर्फ रियलिटी दिखाई गई है। वहीं दूसरी तरफ मनमोहन सिंह, जिनकी ये बायोपिक बताई जा रही है, जब मीडिया ने उनसे इस बारे में सवाल किया तो उन्होंने अपने ट्रेडमार्क अंदाज में इस बात का जवाब दिया और उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया और चुपचाप सीधे निकल गए बिना मीडिया की बातों का जवाब दिए। वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार इस बात से नाराज़ हैं। वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस फिल्म को रिलीज होने से पहले उनको दिखाना होगा और इस फिल्म में काफ़ी ज़्यादा कट्स की डिमांड कर रहे हैं। जाहिर सी बात है ये फिल्म की स्टोरी मनमोहन सिंह के एक्सपीए की लिखी हुई किताब पर है और जैसे जैसे उन्होंने अपनी आंखों से देखा वैसे वैसे ही उन्होंने किताब लिखी है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इस बात पर काफ़ी ज़्यादा एतराज है। उनका मानना है कि इस फिल्म में सोनिया गांधी को विलन के रूप में दिखाया गया है और वो इस बात को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं लोग इस बात से को लेकर भी खफा है कि एक मूवी का ट्रेलर बीजेपी क्यों स्पॉन्सर कर रही है और उन्होंने अपने फेसबुक पेज और ट्विटर पर क्यों शेयर किया। खैर जो भी हो, फिल्म तो रिलीज़ 11 जनवरी को हो ही जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी विलाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और मनोरंजन की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय श्री राम।